हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉस्ट माइंड गेमर। और आज भाई अपन आ चुके हैं ब्राज़ील सर्वर में। और आज मैं आपको जो मैंने पहले अपने मैजिक क्यूब की जो मतलब डेट बताई थी कि इस दिन अपडेट होगा, वो हुआ नहीं है उस दिन। इसलिए जो अपने मैजिक क्यूब बंडल है मैंने जो बताए थे वो नहीं आए होंगे। और मैं आज आपको डेट अभी वीडियो में आगे जो भी रहेगा वो बता दूंगा। और देखते हैं अब किस मतलब मेरे पास नई डिटेल आई है कि कोई से नए जो अपने म्यूजिक क्यूब के बंडल है वो ऐड होने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे वाले। तो मैं उसमें पहले एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, म्यूजिक क्यूब सेक्शन में गए अपन। और भाई ये बंडल तो 100% आने वाला है, मैंने बहुत पहले से आपको बता दिया है। क्योंकि ये बंडल बहुत सारे बंदों ने मतलब बहुत सारे मतलब यूट्यूबर वगैरह सब ने बता रखा है वाला बंडल भी आने वाला है। और इसके बाद आप बात करें तो ये जो बंडल है ये भी देने वाले हैं, क्योंकि जो भी गरीना को कचरा बंडल लगता है ना वो मैजिक क्यूब में दे देते हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे बंडल क्या मालूम देना नहीं चाहते, उनको अच्छा ही लगता देने में। और एक बंडल और मैं देना चाहता हूँ आपको, एक ये अपने ये लेडीज़ और जेंट्स दोनों में है। तो शायद ये अपने उसमें जेंट्स में नहीं आए, लेडीज़ में आ सकता है, क्योंकि पहले आ चुका है वो जेंट्स में। बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह ने निकाल भी लिया है और ये बंडल आने का चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि अपना म्यूजिक क्यूब जो था वो अपग्रेड नहीं हुआ है। तो भाई इसके चांसेस बहुत कुछ बढ़ जाते हैं। और एक बंडल में आपको बताने वाला था, ये नहीं है ये जो बंडल है इसके आने के चांसेस है, क्योंकि ये है कचरा बंडल। और कचरी चीज़ क्या पता क्यों अपने को म्यूजिक क्यूब में दी जाती है। बंडल की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ये आएगा या नहीं। बाकी वो जो बंडल ऊपर वाला है उसके आने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। अगर आर्थिक ब्लू बंडल नहीं आता तो वो आ सकता है, और आर्थिक ब्लू का शायद ही चांस है, क्योंकि अगर वो आता तो यहाँ पर से म्यूजिक क्यूब के सेक्शन से वो हट जाता। ये जो बंडल है ये वाला जेंस वाला, ये अपने उसमें आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस आ रहा है इसके निकल के आने में। और इसके बाद ये गेमिंग का बंडल भी मैंने बहुत बार सुना है, गेमर बंडल शायद इसका कुछ नाम है सही। तो बाकी ये इतना ओपी बंडल तो नहीं देंगे वो, बाकी आने के चांस है। क्लोन वाला बंडल भाई इसका तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आ सकता है। और ये समुराई वाला बंडल भी आ सकता है भाई, और ये इसका नाम नहीं पढ़ूंगा, बहुत ही हंसी आती है इसका नाम पढ़ने पे। लेडीज़ बंडल है, इसका नाम है पांडालोली। अब आप ही देख लेना आपके हिसाब से, ये बंडल मेरे को अच्छा लगा वैसे। बाकी मेरे को जिस हिसाब से नाइट क्लोन बंडल पसंद है, आपको कौन सा बंडल पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपको क्या बस इतना ही बता सकता हूँ। और आपकी जो डेट के बारे में है उसका मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 2 महीने मतलब 2 महीने नहीं यार, 2 महीने बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम हैगा। 2 या 3 हफ्ते अगर आप रुक जाते हो अपना म्यूजिक क्यों वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी जो बंडल है वो पुराने बंडल है। अगर आप 2-3 हफ्ते रुक जाते हो तो आपको अच्छा बंडल मिल सकता है, तो थोड़ा सब्र करो। और भाई तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो। और भाई मेरे को भी अज्जू भाई वगैरह की तरह थोड़ा फेमस कर दो, ज़्यादा नहीं, 1K सब्सक्राइबर करवा दो भाई, तो अपन जरा वो भी रखेंगे। 10 अलोक का गिव अवे रखने वाला हूँ मैं, अगर अपने 1K हो जाते हैं तो मैं कैसे भी करके आपको 10 अलोक गिफ्ट कर दूंगा। बाकी मेरे 1K करवा दो बस, जैसे ही 1K होंगे वैसे अपन लाइव स्ट्रीम करेंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में रहेंगे कम बंदे, तो जितने कम रहेंगे उतना वो है ना, जितने ज़्यादा आते उतने ज़्यादा मैं अलग बढ़ाने के चांसेस रखता हूँ। वैसे तो 10 का तो मैंने करके ही रखा। और भाई सब्सक्राइब करवाओ और अपने घर वालों के मोबाइलों से भी कर दो भाई जो भी है। और भाई बस इतना ही है, और अगले वीडियो जब आएगी तो मैं बता दूंगा। वैसे तो अपने म्यूजिक क्यूब अपडेट होने में 2-3 हफ्ते तो लगेंगे, क्योंकि अभी जो अपडेट आया था उसमें अगर वो अपडेट हो जाता तो कोई बात नहीं थी, अगर बीच में अपडेट करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। या तो वो अगले इलाइट पास मतलब आएगा, मतलब ये वाला नया आ गया एक इलाइट पास उसका प्री ऑर्डर, उसके बाद वाला जो इलाइट पास है उसमें आ सकता है, या फिर अभी 2-3 हफ्ते की बात हुई है। और भाई बस इतना ही है, अब रखता मतलब रखता क्या हूँ यार, अब बस वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। ओके बाय, सी यू गाइज़।